सामाजिक सुरक्षा दे रहे हैं और मोदी जी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं सर। कोई दम नहीं उनके ध्रुवीकरण में, जनता जनता फैसला कर चुकी है, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका विश्वास, हम जीत चुके हैं। अन्य कारण चल रहा है राजस्थान के अंदर और सरकार हमारी बनेगी। सर आप गुजराती की बात कहे कि गुजराती में वहाँ गए तो बोला कि राजस्थानी क्यों वोट मांग रहे हैं, यहाँ आपने कहा कि गुजराती क्यों वोट मांग रहा है, चेहरा गुजराती। क्या गलत कहा मैंने? जब मोदी जी ने कहा एक मारवाड़ी राजस्थान से आया हुआ यहाँ पर हमें हराने के लिए, तो भाई और बहनों अगर वो हरा देगा मुझे तो मैं किसके पास जाऊँगा? मैं आपके पास जाऊँगा, आप गुजराती है, मैं गुजराती हूँ। वो अगर भावना की बात कर सकते तो वो मैंने कहा है ये गुजराती आए हुए हैं, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं भी राजस्थान वासी पास जाऊँगा, यही मैंने कहा है। सर आप उनका विश्वास आशीर्वाद मेरे साथ है। आप गारंटी की बात की, उन्होंने ध्रुवीकरण की बात की सर, जाति धर्म उनका ध्रुवीकरण चलने वाला नहीं है सर, ध्रुवीकरण चला नहीं उनका, खूब कोशिश कर ली। अशोक गहलोत है राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री और कह रहे हैं कि जाति और ध्रुवीकरण की राजनीति राजस्थान में की गई। उन्होंने कहा कि एक गुजराती राजस्थानी से वोट मांग रहा है, उन्होंने क्या गलत किया जब वो राजस्थान से बतौर प्रभारी थे गुजरात में, तो उनकी राजस्थानी सेंटीमेंट के खिलाफ कर उन्होंने गुजराती सेंटीमेंट की बात की थी और विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीतते जीतते वहाँ रह गई थी। इस बार राजस्थान में किसकी सरकार, कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, अपनी गारंटियों के सहारे अशोक गहलोत अभी भी कॉन्फिडेंट है कि इस बार राजस्थान के राजनीति का रिवाज बदल जाएगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार, News 24 जोधपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।